हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बड़गांव में राजू भाई बहरूपियों की कला आकर्षण का केंद्र है, जो कि आज भी कायम है। गांव में आज भी काफी प्रचलित है बहरूपियों की परंपरा, पर पूरी दुनिया में विलुप्त होती बहरूपियों की कला आजीविका को लेकर छलका राजू बहरूपियों का दर्द। राजू बहरूपिया कहते हैं कि बहरूपिया कला लुप्त होने की कगार पर है। वे दोनों भाई इस कला को आज भी जीवित रखे हुए हैं। शायद इस कला की आखिरी पीढ़ी है, उनके बाद परिवार में इस कला को किसी ने नहीं अपनाया। कस्बे में आज के आधुनिक युग में जब दुनिया इंटरनेट के माध्यम से मनोरंजन में व्यस्त है, पुरानी परंपराओं कलाओं को बनाए रखना काफी कठिन हो गया है। पहले लोग मनोरंजन के लिए गांव की विभिन्न पौराणिक कलाओं का सहारा लेते थे, जिनमें से बहरूपिया कला भी एक थी, लेकिन ये कला आज विलुप्त होने के कगार पर है। हालांकि आज भी जब बहरूपिये कभी कभी गांव में नजर आते हैं, तो उन्हें देखकर बड़े और बच्चे आह्लादित हो उठते हैं। राजू बहरूपिया बताते हैं कि वह कला की आखिरी पीढ़ी है। दो दशक पूर्व गांव में काफी प्रचलन रही इस कला को अब प्रदर्शित करने वाले कलाकार दूर दूर तक नजर नहीं आते। कभी कभार गांव में ये चले आए तो कला का प्रदर्शन करके मनोरंजन करते हैं। पूर्व में ये कलाकार साल भर में 2 से 3 बार गांव में आते थे। 12 दिन तक अलग अलग वेश में अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, किंतु अब 4-5 दिन ही बहरूपिया अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। पागल, वैद्य, मजनू, महादेव गाडलिया, पागल महापुरुष समेत अन्य रूपों को धारण करके ये लोगों का मनोरंजन कराते हैं। बहरूपिया कला में माहिर राजस्थान जयपुर के रेनवाल निवासी राजू बहरूपिया इन दिनों जालोर जिले के बड़गांव में कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 40 वर्षों से उनके बाप दादा बहरूपिया कला दिखाते आ रहे हैं। 5 साल के बाद वे बड़गांव आए हैं। उनके पूर्वज भी इसी कला का सहारा लेकर जीवन यापन करते थे। वो कहते हैं कि वर्तमान में इस कला से परिवार का पालन पोषण कर पाना काफी मुश्किल हो गया है। पहले गांव के बच्चे बहरूपियों को देखकर खुशी से झूम उठते थे, उनके पीछे पीछे घुमा करते थे, लेकिन इंटरनेट से मनोरंजन की आदि हो चुकी नई पीढ़ी ने उन पर ध्यान देना करीब करीब छोड़ ही दिया है। राजू बहरूपिया कहते हैं कि बहरूपिया कला आज लुप्त होने की कगार पर है। वे और उनके दोनों भाई मिलकर इस कला को जीवित रखे हुए हैं, और वो शायद इस कला की आखिरी पीढ़ी है। उनके बाद परिवार में किसी ने इस कला को नहीं अपनाया। वे अपनी कला का प्रदर्शन कर राजस्थान समेत अन्य राज्यों में घूमते हैं। इसके बाद स्थानीय लोग और दुकानदारों के माध्यम से जो उन्हें पारितोषिक मिलता है, उसी को उन्होंने आजीविका का जरिया रखा हुआ है। उनके पिताजी स्वर्गीय श्री नारायण राव बहरूपिया देश के विभिन्न राज्यों में अपनी कला दिखा चुके हैं। इस दरमियान राजू बहरूपिया के बेटा संदीप, दीपक, राहुल, विजय, सोनू भी साथ रहते हैं और कला दिखाने का कार्य करते हैं। राजू बहरूपिया ने बताया कि उन्होंने कभी किसी से जबरदस्ती पैसे नहीं लिए। जो इनाम उन्हें खुशी से दिया गया, उसी को स्वीकार करते हैं, और आगे वो निवेदन करते हैं कि उनसे कोई डरे नहीं, वो एक बहरूपिया का किरदार दिखाते हैं। वर्तमान में बच्चे किडनैपिंग को लेकर चर्चाएं उठ रही हैं, लेकिन उनसे कोई डरे नहीं, वो पुलिस और पंचायत की परमिशन के बाद ही बहरूपिया का किरदार निभाते हैं। जागरूक टीवी के लिए बड़गांव से विक्रम लखारा की रिपोर्ट।